हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। लास्ट क्लास में जी हम लोग पढ़ रहे थे क्या रिसर्च एथिक्स क्या होता है और रिसर्च एथिक्स के लिए क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये चीजें हमने करी थी। और ये भी हमने पढ़ा था कि क्या नहीं करना चाहिए। उसमें हमने तीन चीजें देखी थी कि फैब्रिकेशन क्या होता है, फॉल्सिफिकेशन क्या होता है और प्लेगरिज्म क्या होता है। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं कि क्या हमें नहीं करना चाहिए, और उसका एक पार्ट था क्या फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन और आपका प्लैगरिज्म। आज दो और चीज बच के रह गया है कि भाई साहब कैसे इसको क्या हमें नहीं करना चाहिए उसको देख लेंगे, और कुछ मेन अप्रोचेज हैं किसको लेकर, सर रिसर्च एथिक्स को लेकर, तो उसकी चर्चा आज हम क्लास में करेंगे। आइए चलते हैं क्लास में और क्या देखते हैं कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सर हमको पता है कि फैब्रिकेशन मतलब होता था एडिशन ऑफ डेटा, फॉल्सिफिकेशन होता था अल्टरेशन ऑफ डेटा, और प्लैगरिज्म बोलते थे चोरी को, अपने कंटेंट दूसरे के कंटेंट को खुद के कंटेंट बताना, ये था प्लैगरिज्म। अब आ जाइए मिसयूज ऑफ फंड्स। क्या है मिसयूज ऑफ फंड, ये एक बार देख लेते हैं। सर मिसयूज ऑफ फंड्स कहने का मतलब सबसे बड़ा चीज, एकदम बेस्ट ऑप्शन एग्जाम्पल देता हूं। जैसे अभी आप क्यों पढ़ रहे हो, नेट या जेआरएफ करने के लिए। जेआरएफ करोगे तो क्या मिलेगा, सर पैसा मिलेगा, कितना, 35,000 रुपए। और ये फंड क्यों मिलता है, रिसर्च करने के लिए। और तुम नालायक क्या करोगे, जाके खरीदोगे जीन्स, जाके खरीदोगे शर्ट्स, शॉपिंग, जूते नहीं, गाड़ी, ये दिस दैट सब कुछ खरीद लेना है, सपने बुन रखे हैं भाई साहब ने, नहीं। हाँ जी, तो ये वो मिस यूज ऑफ फंड। आइए क्या बोल रहा है देखते हैं। कहता है मिस यूज ऑफ फंड शुड नॉट बी डन, नहीं किया जाना चाहिए मिस यूज ऑफ फंड, है क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं। कह रहा है फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च शुड बी स्पेंट ओनली फॉर ओनली ऑन रिसर्च वर्क। बोल रहा भाई साहब किसी भी इंस्टीट्यूशन से अगर आपको रिसर्च के लिए पैसा मिला है तो खर्च भी कहां करना चाहिए, रिसर्च के लिए करना चाहिए, रिसर्च के काम के लिए करना चाहिए। नहीं, कह रहा है शुड नॉट बी सो दैट द मनी हैज बीन स्पेंट फॉर द पर्सनल कंफर्ट एंड देन फेक बिल्स हैव बीन सबमिटेड टू द क्लेम फंड। बोटा भाई साहब ऐसा नहीं करो कि भाई खुद का पैसा के लिए, अपने ऐश आराम जिंदगी के लिए, पर्सनल कंफर्ट के लिए पैसा ले ये यूज कर लो और झूठ मूठ का बिल जो है वो गवर्नमेंट को या किसी इंस्टीट्यूशन को सबमिट कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। कह रहा है लेकिन करोगे तो तुम मानोगे तो है नहीं है। कह रहा है रिस्पोंडेंट शुड हैव बी ल्योर्ड बाय एनी काइंड ऑफ गेट्स इंसेंटिव्स फॉर प्रोवाइडिंग डेटा, so however giving them small gifts as a token of appreciation after collecting data is not wrong। तो बोल रहा भाई साहब देखो रिस्पोंडेंट जिसे तुम डेटा कलेक्ट करने जा रहे हो उसको पहले गिफ्ट पैसा देना डेटा कलेक्ट करने से पहले वो गलत है, लेकिन अगर आप डेटा कलेक्ट करने के बाद एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन उसको कुछ दे रहे हो तो वो क्या, वो गलत नहीं है। अब देखिए तीसरा क्या, तीसरा बोल रहा है मिसयूज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, इसका नहीं करना कि अगर आपको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिल गई तो उसको किसी जगह पे पब्लिश नहीं करना है, नहीं बताना। कह रहा है मिसयूज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो समथिंग विच इज नॉट इथिकली राइट, पूरा वो इथिकली सही नहीं है। नहीं, हाँ जी सर आप बताइए, किसी ने आपको कॉन्फिडेंशियली कुछ इन्फॉर्मेशन दिया और आप उसने उसके बारे में जाके बता दिए तो ये तो गलत बात है। हाँ जी सर गलत बात है। कह रहे कॉन्फिडेंशियली ऑफ डेटा शुड बी मेंटेन्ड, कॉन्फिडेंशियलिटी हमेशा क्या होना चाहिए, मेंटेन्ड होना चाहिए। देखिएगा क्या क्या मेंटेन करना है। कह रहा है रिसर्चर शुड नॉट रिवील द आइडेंटिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट टू दी मेक रिस्पोंडेंट कंफर्टेबल रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ दियर आइडेंटिटी, मोस्ट सर्वे फॉर्म डू नॉट हैव द कॉलम ऑफ नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट। ये बात बड़ा जरूरी है कि जब भी आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, रिस्पोंडेंट मतलब जिससे आप, आपको जो रिस्पोंड करेगा, जो डेटा देगा, तो उसका नाम या पर्सनल डेटा को आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, रिसर्चर का जो रिसर्चर क्या करते हैं कि रिस्पोंडेंट का नाम कभी मेंशन नहीं करते हैं, नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट कभी मेंशन नहीं होता है। कह रहा है इट शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड टू द रिस्पोंडेंट इफ देयर आइडेंटिटी डिटेल्स विल बी रिकॉर्डेड और नॉट। पूरा भाई साहब ये क्लियरली आपको बता देना चाहिए रिस्पोंडेंट को कि आपका, आपकी पहचान मतलब आपके बारे में बताया जाएगा रिसर्च स्टडी में कि नहीं बताया जाएगा, ठीक है, आपके नाम के तौर पर, ठीक है। कह रहा इफ दे नो दियर आइडेंटिटी विल नॉट बी रिकॉर्डेड दे कैन प्रोवाइड डेटा फ्रीली विदाउट एनी फियर ऑफ बीइंग आइडेंटिफाइड एंड दियर चॉइसेस विल रिवील्ड। पूरा भाई साहब अगर उनको ये पता रहेगा कि उनकी आइडेंटिटी छुपाई रखी जाएगी, मतलब वो ये डेटा किसने दिया क्या दिया ये नहीं मतलब रहेगा, तो फिर वो क्या करेंगे, वो फ्री होकर आपको डेटा रिकवर दे देंगे और वो सारा डेटा आप क्या करेंगे अपने यूज में लेके आएंगे, तो बिना डर और बिना भय के आपको डेटा मिल जाएगा।
चलिए एक तो ये हो गया, दूसरा बोल रहा है इट इज इथिकली रॉन्ग टू हार्म एनिमल व्हाइल कंडक्टिंग रिसर्च और परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, दिस अप्लाइज नॉट ओनली द ह्यूमंस बट आल्सो एनिमल्स आल्सो शुड नॉट बी हार्म ड्यूरिंग रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स। छोटा भाई साहब ये इथिकली बहुत गलत बात है कि जब आप कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उस समय किसी की हानि पहुंचाना, डजंट मैटर वो ह्यूमन है या एनिमल है, दोनों की जान की उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। क्लियर बात? हाँ जी सर। अब नेक्स्ट चाहिए, कह रहा है रिसर्च शुड बी फ्री फ्रॉम सब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्चर, दैट इज फ्रॉम पर्सनल बायसेस वैल्यूज नॉर्म्स मॉरल ओपिनियंस ऑफ द रिसर्चर। तो बोल रहा है रिसर्चर को हमेशा पर्सनल, रिसर्चर की रिसर्च को हमेशा रिसर्चर की ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी से दूर रखना चाहिए। सर सब्जेक्टिविटी मतलब अपना पक्षपात, क्योंकि अपना पर्सनल अगर कुछ ट्रेडिशंस के बिहाफ में है, वैल्यूज है, कुछ अपना अपनी सोच, सीधा सीधी अगर कहें तो अपनी सोच से दूर रखना चाहिए, जो रिसर्च में आ रहा है उसी को बताना चाहिए। कह रहा है ऑल दिस अफेक्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्चर एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। तो ये सारे क्या करेगा, जो ऑब्जेक्टिविटी होगी रिसर्चर की, रिसर्च की, उसको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा और रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको ऑब्जेक्टिव रहना है, बायस रहना है, मतलब पक्षपात नहीं करना है, पर्सनल अपने जजमेंट के बेसिस पर काम नहीं करना है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो कह रहा है मिस इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सब्जेक्टिविटी इज इथिकली रॉन्ग एंड शुड बी अवॉइडेड। दोस्तों मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं अगर आप रिजल्ट को, ठीक है, इन्फ्लुएंस बाय सब्जेक्टिविटी मतलब अपने पर्सनल थॉट की वजह से अगर आप डेटा को या रिजल्ट को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं तो वो क्या है, इथिकली रॉन्ग है और इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। अब आइए जी मेन अप्रोचेस टू दी रिसर्च इथिक्स, कुछ मेन अप्रोच है, ठीक है, आइए पहले इसको नोट्स में समझते हैं फिर यहां इसको पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है अप्रोचेस टू द रिसर्च एथिक्स, तीन अप्रोच होते हैं, एक होता है डियोन्टोलॉजिकल अप्रोच, एक होता है इथिकल स्केप्टिज्म और एक को बोलते हैं यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। पहले डियोन्टोलॉजिकल अप्रोच देखते हैं क्या होता है, डियोन्टोलॉजिकल अप्रोच नहीं, हाँ जी सर। तो क्या बोल रहा है, वी शुड आइडेंटिफाई एंड यूज ए यूनिवर्सल कोड इन मेकिंग एथिकल डिसीजन। ठीक है जी, एक ना कोड बना लेना चाहिए आपको रिसर्च एथिक्स में, कोड मतलब कि मुझे ये करना है मुझे ये नहीं करना, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल कोड कि ये होना ही चाहिए, तो ये एक काम है रिसर्च एथिक्स का कि यूनिवर्सल कोड अपने पास में होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है इथिकल स्केप्टिज्म, मतलब क्या हुआ, कह रहा है इट स्टेट्स दैट द इथिकल स्टैंडर्ड आर नॉट यूनिवर्सल बट आर रिलेटिव टू वंस ऑन पर्टिकुलर कल्चर टाइम, दिस इज बेस्ड ऑन रिलेटिज्म। तो बोल रहा है भाई इथिकल स्केप्टिज्म मतलब क्या हुआ कि वो उसके भले ही यूनिवर्सल स्टैंडर्ड अगर नहीं मैच कर पा रहा है तो एटलीस्ट वो अपने रिलेटिव, जो रिलेटिव कल्चर टाइम ये सारा चीज को मैच करे, जिसकी मतलब रिलेटिज्म अप्रोच अपना ले कि रिलेट करके देख ले और उससे जो एथिकली सही हो वो काम करे वो। तो पहला अप्रोच क्या था, डियोन्टोलॉजिकल, जिसमें यूनिवर्सल कोड की बात करी गई है, एथिकल स्केप्टिज्म में रिलेटिज्म की बात करी गई है, और तीसरा है यूटिलिटेरियनिज्म। सर यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है, सर बोलता है यूटिलिटेरियनिज्म इट इज मेजर्ड ऑन एक्सपेक्टेड बेनिफिट टू द एक्सपेक्टेड रिस्क। बोल रहा है भाई साहब ये क्या है कि जब भी आप काम करने जाइए रिसर्च का, ठीक है, एथिक्स में, तो आप ये देखिए कि जो आपका रिस्क ज्यादा है कि बेनिफिट ज्यादा है, अगर आपका बेनिफिट ज्यादा है एक्सपेक्टेड रिस्क से तो आप इसको एथिक्स एथिकल कहेंगे, अदरवाइज अगर आपका रिस्क ज्यादा है तो आप इसको अनएथिकल कहेंगे। तो ये तीन अप्रोच थे, पहला अप्रोच ने क्या बोला, पहला आपने जो बोला डियोन्टोलॉजिकल अप्रोच यूनिवर्सल कोड की बात करी, दूसरा ने क्या बोला, दूसरा ने बोला एथिकल स्केप्टिज्म, ये किसकी बात कर रहा है सर, ये यूनिवर्सल आपका रिलेटिज्म की बात कर रहा है कि रिलेट करके देख लो वो उसके बेस पर एथिक्स देखो। अब तीसरा है यूटिलिटेरियनिज्म, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक्सपेक्ट रिस्क को एक्सपेक्टेड बेनिफिट से मेजर करके देख लो, अगर एक्सपेक्टेड रिस्क ज्यादा हो गया तो किससे, एक्सपेक्टेड बेनिफिट से, तो ये क्या हो जाएगा, ये सर गलत हो जाएगा, इसको अनएथिकल बोलेंगे। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड रिस्क आपका कम है और एक्सपेक्टेड बेनिफिट ज्यादा हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, इसको एथिकल बोलेंगे और यही सही चीज है। क्लियर बात? हाँ जी। अब आइए पढ़ते हैं बुक में क्या बोल रहा, देखिए कहता है मेन अप्रोचेस टू द रिसर्च एथिक्स, द फॉलोइंग आर द थ्री मेजर अप्रोचेस टू द एथिक्स। पहला है डियोन्टोलॉजिकल अप्रोच, डियोन्टोलॉजिकल अप्रोच क्या कहता है, कह रहा है वी शुड आइडेंटिफाई एंड यूज अ यूनिवर्सल कोड इन मेकिंग एथिकल डिसीजन, दिस इज एन एब्सोल्यूटिस्ट अप्रोच। ठीक है, एब्सोल्यूटिस्ट अप्रोच क्यों बोला गया भाई, क्योंकि हम एक यूनिवर्सल कोड बनाते हैं, नहीं
हाँ जी सर। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोला, कह रहा इथिकल स्केप्टिज्म अप्रोच, कहता है इट स्टेट्स दैट द एथिकल स्टैंडर्ड आर नॉट यूनिवर्सल, क्योंकि एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या यूनिवर्सल नहीं होते हैं, तो इस वजह से आपको क्या करना है, बट आर रिलेटिव टू वंस ऑन पर्टिकुलर कल्चर एंड टाइम, और दिस इज बेस्ड ऑन रिलेटिज्म, तो ये किस पे बेस्ड है, रिलेटिज्म पे बेस्ड है। तीसरा है यूटिलिटेरियन, ये क्या बोला, बोल रहा है डिसीजन रिगार्डिंग एथिक्स इन रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन एंड कंपैरिजन ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स दैट मे अराइज फ्रॉम अ स्टडी। तो बोल रहा है कि रिसर्च एथिक्स में जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आप एग्जामिनेशन और कंपैरिजन कर सकते हैं कि इसका कॉस्ट का और बेनिफिट का, ठीक है, रिस्क और बेनिफिट, कॉस्ट वही हो गया, तो रिस्क और बेनिफिट का, ठीक है, कि जो एक स्टडी से रिस्क अराइज हुआ है या कॉस्ट अराइज हुआ है। कह रहा है इफ द एक्सपेक्टेड बेनिफिट एक्सीड्स द एक्सपेक्टेड रिस्क, देख लीजिए कि अगर एक्सपेक्टेड बेनिफिट ज्यादा है रिस्क से तो द स्टडी इज प्रिज्यूम टू बी एथिकल, तो स्टडी क्या होगा, एथिकल माना जाएगा। कह रहा है द रिस्क बेनिफिट प्रिकॉशन इज अ मॉडर्न वर्जन ऑफ द एंड जस्टिफाइंग द मींस, तो रिस्क बेनिफिट प्रिकॉशन क्या है, मॉडर्न वर्जन है किसका, जस्टिफाई करने का मींस को। कह रहा है इट हैज इट्स मोस्ट डायरेक्ट एप्लीकेशन व्हेन दोज एक्सपोज्ड टू द रिस्क आल्सो रिसीव द बेनिफिट्स। कह रहा है द रेशियो इज मोर डिफिकल्ट टू जस्टिफाई व्हेन द पार्टिसिपेंट्स आर सब्जेक्टेड टू पोटेंशियल हार्म व्हेन द बेनिफिट्स आर डायरेक्टेड टू द इंडिविजुअल्स और टू द सोसाइटी टू एब्सोल्यूट इन देयर रिक्वायरमेंट्स। तो इसका क्या मतलब कि रेशियो क्या होना चाहिए, भाई आप यही रेशियो को समझिए, बेसिक चीज यही है कि आपका एक्सपेक्टेड जो बेनिफिट्स है वो ज्यादा होना चाहिए एक्सपेक्टेड रिस्क से, अगर रिस्क कम बेनिफिट ज्यादा तो एथिकल, रिस्क ज्यादा बेनिफिट कम तो अनएथिकल। क्लियर है बात, हाँ जी। आइए ये भी देख लीजिए, आपका यहीं पे बता दिया, क्या बोला, डियोन्टोलॉजिकल किसकी बात कर रहा है, यूनिवर्सल कोड की, ठीक है, जैसे यूजिंग डिसेप्शन धोखा देना रॉन्ग है, इट इन्वॉल्व्स लाइंग एंड अवॉइडिंग फुली इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है, ये गलत है। एथिकल स्केप्टिज्म क्या बोल रहा है, रिफ्यूट्स डियोन्टोलॉजिकल, फील्स राइट और रॉन्ग आर इंपॉर्टेंट बट रिलेटिव टू कल्चर एंड टाइम इट इज रिसर्चर्स पर्सनल स्ट्रगल एंड अल्टीमेट डिसीजन। तो ये क्या, इथिकल स्केप्टिज्म मतलब रिलेटिज्म की बात की गई है, नहीं, हाँ जी। और यूटिलिटेरियन क्या है, द गुड ऑफ मेनी आउटपुट ऑफ गुड ऑफ द फ्यू, ठीक है, क्लियर है, हाँ जी सर। ये भी एक चार्ट दिया हुआ गया, देखिए रूल बेस्ड व्यू डियोन्टोलॉजिकल बोलते हैं, टियोलॉजिकल बोलते हैं सीक्वेंस बेस्ड व्यू को, ठीक है, गुडनेस और बैडनेस बताता है, यहाँ गुडनेस और बैडनेस रिजल्ट्स के द्वारा बताता है, यहाँ एक्शन के द्वारा बताता है, क्लियर है, बस इतना ही याद रखिएगा। मेन जो अब जो पार्ट और आने वाला है ये देखिए, कह रहा है इंपॉर्टेंट मेजर्स टू मेक रिसर्च मोर एथिकल, कि भाई हम अपने कुछ कुछ मेजर्स के थ्रू कैसे रिसर्च को और एथिकली सही कर सकते हैं। तो सबसे पहला उसके लिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट, सर इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या हुआ कि जो भी आप सामने रिस्पोंडेंट से लेने जा रहे हो उसका सहमति जरूर लेना, क्योंकि अगर आपने बता दिया कि भाई साहब हम ये चीज आपसे लेंगे तो वो फ्री हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि भाई ठीक है ये सही है। कह रहा है द प्रोविजन ऑफ द इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज ऑल्सो इंक्लूड द नॉलेज दैट द इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन इज वॉलेंट्री एंड दैट पार्टिसिपेंट्स कैन विदड्रॉ फ्रॉम द स्टडी एट एनी टाइम। हाँ ये भी है कि इसको बता देना कि भाई साहब तुमको जब कहे जिसे रिस्पॉन्डेंट को, जब तुमको मन करे तुम यहां से बाहर जा सकते हो, तुमको जितना देर तक रहे उतना ही रह सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो किसको बता दोगे, रिस्पॉन्डेंट को, रिस्पॉन्डेंट कौन, जो तुमको डेटा कर देगा, ठीक है, हाँ जी सर। कह रहा है दूसरा प्रोटेक्टिव रिसर्च डिजाइन होना चाहिए ताकि प्रोटेक्ट कर सके। कह रहा है दिस इन्वॉल्व एस्टिमेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स, देयर सेवरिटी एंड लाइकली ड्यूरेशन ऑफ दिस इफेक्ट। तो बोल रहा है ये सब चीज एस्टिमेट कर लीजिए कि कितना आपका हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकता है, तो इसको ध्यान रखना। तीसरा है स्क्रीनिंग, बोल रहा है इट इज एन अटेम्प्ट टू सेलेक्ट ओनली दोज इंडिविजुअल्स फॉर स्टडी हु शो अ हाई टॉलरेंस एंड पोटेंशियल फॉर पोटेंशियल रिस्क। देखिए तो छांट लेना पड़ेगा आपको कि भाई साहब कहां से कहां आपको हाई टॉलरेंस रिस्क बियर करने की क्षमता है, वो सारे इंडिविजुअल्स के बेस पर आप काम करिएगा। पायलट स्टडीज करिए, कह रहा है व्हेन अ पोटेंशियल ऑफ हार्म आर अनसर्टेन अ यूजफुल प्रिकॉशन इन्वॉल्व्स अ पायलट स्टडी विद अ फॉलो अप डायग्नोस्टिक इंटरव्यूज टू दी एसेस द इफेक्ट्स एंड रिक्वेस्ट एडवाइस फ्रॉम द पार्टिसिपेंट। तो बोल रहा है जब आपका हार्म्स क्या अनसर्टेन है, आपको पता नहीं कितना हार्म्स हो सकता है, तो आप पायलट स्टडी करिए, ठीक है, पायलट स्टडी मतलब इंडिविजुअल स्टडी, किसी को भी कहीं भी, ठीक है। उसके बाद है आउटसाइड प्रपोजल रिव्यू करिए, कह रहा है रिक्वेस्टिंग अदर्स टू रिव्यू रिसर्च प्रपोजल इज अ हेल्पफुल प्रिकॉशन ऑफ मिनिमाइजिंग रिस्क। तो प्रपोजल रिव्यू आपको करना चाहिए।
प्रोफेशनल कोड रखिए। कह रहा टू फीचर्स ऑफ प्रोफेशनल कोड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर डिस्कशन। फर्स्टली द प्रोफेशनल कोड हैव बीन डेवलप्ड इंडिक्टिवली फ्रॉम द वाइड रिसर्च एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोफेशनल। तो पहला तो कैसे मानना चाहिए, रिसर्च के एक्सपीरियंस के बेस पर आपको एक डेवलप करना चाहिए कि आप प्रोफेशनल कोड पहला। कह रहा सेकेंडली प्रोफेशनल कोड प्लेस स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन रिसर्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दियर फॉर दियर रिसर्च। तो रिसर्चर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा एम्फेसिस होना चाहिए, वो दूसरा कोड आप ऐसे बना सकते हैं। तो प्रोफेशनल कोड आप तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा एथिकली। उसके बाद है उसके बाद है जी आपका गवर्नमेंट का रेगुलेशन। सर ये क्या, सर गवर्नमेंट के रेगुलेशन को भी ध्यान में रखना चाहिए। कह रहा है गवर्नमेंट रेगुलेशन सच एज स्टेट एंड द सेंट्रल लॉज आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट और एडवांस द इंसेंट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। तो क्या बोला कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को, जैसे आपके स्टेट हो गए, सेंट्रल लॉ हो गए, है ना, जो प्रोटेक्ट करे या एडवांस करे सोसाइटी के एडवांसमेंट के लिए हो या किसी इंडिविजुअल के और उसके इंडिविजुअल के लिए, तो वो सारा काम आपको ध्यान में रख के करना है। कह रहा था सर रिसर्चर आर रिक्वायर्ड टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस। अब ये सारे चीज के लिए रिसर्चर को क्या सर्टेन प्रिकॉशंस भी लेना पड़ेगा। अब देखिए इसी इथिकल प्रिंसिपल्स के लिए एक रिपोर्ट आई थी, बेलमेंट रिपोर्ट। क्या आया था जी, बेलमेंट रिपोर्ट, ठीक है। हाँ जी सर, तो बेलमेंट रिपोर्ट तीन चीजों की बात करता है। किस किस चीजों की बात करता है सर, सब बेसिक प्रिंसिपल। सबसे पहले बोला रिस्पेक्ट फॉर दी पर्सन। अब आप एक बात समझिए, जैसे आप किसी गांव में जा रहे हैं, सपोज करिए जैसे मेरा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं एक रिसर्चर हूँ और मैं एग्रीकल्चर फाइनेंस पे पीएचडी कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने कोई पेपर लिखना था, मैं चला गया गांव और गांव में जाके किसी किसान के यहाँ उससे डेटा कलेक्ट करना था। अब किसान तो किसान जैसे, ठीक है, अपने खेतों में पहले में, तो अब उनकी आपको वैल्यू करनी होगी क्योंकि आप उनके लिए काम कर रहे हो ना, तो आप उनके लिए रिस्पेक्ट रखना चाहिए। तो रिस्पेक्ट फॉर दी पर्सन, जिससे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हमेशा क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट। अब आप गए गांव में, एकदम चौड़ में, एकदम कार में बैठे हुए, एकदम ऐसे नहीं होता, आपको उसी ग्राउंड पे जाके बात करना होगा जहां पे वो रहते हैं, जैसे करते हैं, और उन्हीं के लिए काम करना होगा तब। तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले उनकी रिस्पेक्ट लेके आनी होगी आपके अपने मन में। क्लियर बात, हाँ जी। तो क्या बोल रहा है रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन में, सबसे पहले बोला इंडिविजुअल शुड बी ट्रीटेड एज ए ऑटोनोमस एजेंट्स। आपको इंडिविजुअली ट्रीट करना होगा कि जैसे वो भी क्या है, ऑटोनोमस, अपने आप में एक एजेंट है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, पर्सन्स विद डिमिनिस्ड ऑटोनॉमी आर एंटाइटल टू इंक्रीज्ड प्रोटेक्शन। बोल रहा है भाई साहब, जो डिमिनिस्ड ऑटोनॉमी के हैं, जो जिसका मतलब बहुत कम अस्तित्व है, उसको आपको प्रोटेक्शन ज्यादा देना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। ऑटोनोमस एजेंट्स का कहने का मतलब आपको ये मान लेना होगा कि वो भी आपके लिए काम कर रहे हैं, आपका आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस क्या मतलब हुआ कि पर्सन को आपको बेनिफिट दिखाने होंगे, बेनिफिशियंस के लिए काम करना होगा, तभी वो चीज रहेगा। क्या है, कह रहा था पर्सन ट्रीटेड इथिकली एंड दियर डिसीजन रिस्पेक्टेड। बोल रहा भाई साहब, उस पर्सन को आपको ट्रीट करना होगा इथिकली और उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट करना होगा। अगर आपको उसने कुछ बताया और आपके खिलाफ रहा तो भी आपको उसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। कह रहा मैक्सिमाइज पॉसिबल बेनिफिट्स एंड मिनिमाइज रिस्क। बोल रहा है कि आपको यहां से मैक्सिमम बेनिफिट लेके जाना है और रिस्क को मिनिमम रखना है, मिनिमम रिस्क के तौर पर काम करना है। तो सबसे पहले क्या, रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन, दूसरा बेनिफिशियंस। तो बेनिफिशियंस में आपको एथिकली पर्सन को ट्रीट करना है और उनके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करनी है। दूसरा आपको बेनिफिट ज्यादा रखना है रिस्क से, ठीक है। तीसरा है जस्टिस। जस्टिस मतलब फेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन में है तो आपको फेयर रहना है। क्लियर बात, तो कह रहा है ये आपको क्या करना है, फेयरनेस दिखाना है डिस्ट्रीब्यूशन में। कह रहा है फेडरल रेगुलेशन डिराइव द बेलमेंट रिपोर्ट कॉमन रूल रिव्यू ऑफ रिसर्च बाय आईआरबी इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ पार्टिसिपेंट एंड इंस्टीट्यूशनल एश्योरेंस ऑफ कंप्लायंस। तो देख लीजिए ये क्या था, ये आपके मेन अप्रोचेस थे, कुछ रिपोर्ट था, है ना, जिसके बेसिस पर आपका काम हो गया जी, ठीक है। हाँ जी सर, तो लीजिए ये आपके मेन क्या थे, मेन अप्रोच थे, क्या रिसर्च एथिक्स के लिए क्या नहीं करना चाहिए था, उसकी सारी चीजें थी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कब, अगले वीडियो में। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन छोटा सा दे दूं कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया मेरा तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और नोट्स भी आपको वहां मिल जाता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।